पानीपत के सीमा थिएटर में स्माइल फाउंडेशन सोसाइटी द्वारा जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग पानीपत के साथ मिलकर उपभोक्ता जागरूक मंच का आयोजन किया गया। मंच का संचालन लोक संपर्क विभाग से ओम दत्त द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्माइल फाउंडेशन की अध्यक्षा सुनीता सिवाच ने बताया कि कैसे हम जागरूक हो सकते हैं और सामान लेने के बाद बिल जरूर लें। कोर्ट पहले 10 लाख तक की सुनवाई करती थी और अब यह सीमा 1 करोड़ तक कर दी गई है। इस प्रकार कोई भी शिकायत कहां और कैसे लिखी जाएगी, ये सब जानकारी सुनीता सिवाच ने दी। साथ ही इस कार्यक्रम में जिला खाद्य व आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने उपभोक्ता को नियमों के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी दी। आज उपभोक्ता जागरूकता दिवस है। इस अवसर पर हम उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए यहाँ पे एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें हम उपभोक्ताओं को ये बता रहे हैं कि वो सामान कैसे लें, कैसे देख के लें, शिकायत कहाँ करें, उनके साथ धोखाधड़ी होती है तो हम कर सकते हैं, कैसे कैसे शिकायत हम दे सकते हैं, प्रोडक्ट को हम कैसे ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या हम गड़बड़ी हो सकती है, ऑनलाइन है, एप्लीकेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम उनकी शिकायत भी कर सकते हैं और हम रिफ़ंड भी उनसे ले सकते हैं, या तो दुकानदार के पास या किसी के पास भी दो चीज़ें होती हैं, या तो हमारे प्रोडक्ट वो चेंज करेगा या फिर प्रोडक्ट की हमें कीमत वापस करेगा। तो इन चीज़ों के लिए गैस सिलेंडर है उसमें क्या क्या सावधानियाँ हमें करनी चाहिए, बैंक में जो फ्रॉड हो रहे हैं उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, उनसे कैसे बच सकते हैं, इन चीज़ों को जागरूक करने के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।